नमस्कार। मुझे पता है कि कल की नाइट के बाद हम सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जो हमने सोचा था डेफिनेटली हमने वो चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, पाई हैं। एंड यस, ऐश मुफारा साहब ने एक वर्ड यूज़ किया था कि 30th of March को सारी दुनिया देखेगी कि और वैसे सी ऑन द टॉप। डेफिनेटली हम टॉप पे मिलेंगे, टॉप से स्टार्ट करेंगे। सो यस दोस्तों, आप सभी लोगों ने वो चीज़ फील की होगी कि जैसे उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारा जो मेन हमारा जो ऑफिस है वो दुबई में 151 फ्लोर पे, हमारा ओन ऑफिस, कंपनी का अपना खुद का ऑफिस, हमारा सबका आपका खुद का ऑफिस वहाँ पे लिया गया है। एंड टोटल होल दुबई में कोई ऐसी स्पेस, कोई ऐसी प्लेस नहीं है कि जहाँ पे हमारे साइन बोर्ड या हमारी वीडियो ना चल रही हो, या बड़े बड़े मॉल्स में, ठीक है, हमारी कहते ग्रो साइन या बोर्ड या वीडियोग्राफी ना चल रही हो। कोई भी ऐसा मॉल नहीं है दुबई का, कोई ऐसी ऐसी मेन रोड ऐसी नहीं है जहाँ पे, ऐसा बता रहे थे कि मोस्टली इंटरनेशनल पब्लिक भीड़ लोग जहाँ पे चलते हैं वहाँ पे हर जगह पे आपको ऑन पे से दिख रहा है दिख रहा है। ऑलरेडी वीडियोज आ चुके हैं, ऑलरेडी पिक्चर्स आ चुकी हैं, ठीक है। सो पूरा वहां से ये हमें पता है, सब जानते हैं कि दुबई इज अ कैपिटल हब और फाइनेंशियल कैपिटल हब, फाइनेंशियल हब पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का, क्रिप्टो का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हब दुबई को माना जा रहा है। सो फ्रॉम यस्टरडे नाइट ऑलरेडी हम ये फील कर सकते हैं कि हमारा मार्केटिंग कैंपेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो उसके बाद का जो नेक्स्ट पड़ाव है या उसके बाद की नेक्स्ट बड़ी न्यूज जिसकी आप लोग हम लोग वेट कर रहे हैं, वेरी सून मे बी दिस राउंड टेबल मीटिंग, मे बी नेक्स्ट, जिस दिन भी ऐसा आएंगे बताएंगे, डेफिनेटली वो दिन बहुत बड़ा अगेन होने वाला है। यस, एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, इस बहुत बड़े इवेंट में मैंने बहुत दिल से रियली मैंने मिस किया है मेरे भाई मांगेराम जी को, देवीलाल चौहान साहब को, सुशांता कर्माकर जी को, रोहित शर्मा जी को, कमल जी को, बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो ड्यू टू सम रीजन नहीं आ पाए वहाँ पे, टाइमली नहीं पहुँच पाए या वहाँ पे किसी भी कारणवश वो नहीं पहुँच पाए। बट मैं दिल से आग्रह करता हूँ, मैं दिल से इनसे माफ़ी मांगता हूँ। एंड आप सबसे भी जो वेल डिजर्विंग थे वहाँ पे नहीं पहुँच पाए, ठीक है, मैं आप सब लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ। और यस, मैंने एक एक पल आप लोगों को फील किया है वहाँ पे, मैं हमेशा ही करता हूँ, करता रहूंगा, यही मैं हूं दिल से। थैंक यू वेरी मच। एंड सेकेंड थिंग, एज सबसे पर्सनली वीडियो कॉल में नाइट में बात हुई थी, मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाई कबीरराज जी के लिए मैं एक वर्ड जरूर बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज 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 आप लेट डाउन ना हो, आप डाउन मत जाएं, ठीक है। आई होप एंड आई एम डेफिनेटली श्योर के ए सर के साथ जो बात हुई है उनको क्लियर बताया कि सर यहाँ पे एक ऐसा प्राउड फाउंडर है, हमने ओब्लेस की बात करते हैं, ओब्लेस के लिए बहुत जो हम ऑलरेडी करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में कबीरराज जी की रिक्वेस्ट पे मैंने बोला था आप सब लोगों को, क्योंकि वो हमारी फैमिली का एक अहम सदस्य है जिस बंदे ने मोर देन 700 की टीम बनाई है, और ऐसी सिचुएशन में भी वो अपनी टीम को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करते, मोटिवेट करते रहते हैं। उस बेड पे हैं जहाँ पे लाइफ और डेथ का कोई बहुत बड़ा गैप नहीं होता है। ऐसे टाइम पे मैं आप सभी लोगों से दिल से आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अगेन कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उनको, आपने हर एक मेरे भाई बहन ने मोस्टली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सो मैं एक फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, एक छोटा भाई बड़ा भाई होने के नाते जो भी आप मेरे को समझते हो अपना, तो प्लीज उस भाई के लिए प्लीज कंट्रीब्यूट करें मैक्सिमम, क्योंकि 3 times उनका किडनी ट्रांसप्लांट का जो डेट था 3 times वो एक्सटेंड हो चुका है, ठीक है। वो इतने बेस्ट प्राउड फाउंडर है, नॉर्थ ईस्ट से है, मैं पर्सनली आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज 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 मैक्सिमम करें। बाकी कबीरराज भाई एसर के पास आपका एक मैसेज जाना जरूरी था, वो पर्सनली लास्ट नाइट में उनसे बात हुई है, वीडियो कॉल में बात हुई है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, यस जसवंत डेफिनेटली वी विल डू, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने बोला है जैसे आई एक्सप्लेन द एवरीथिंग टू एसर, ठीक है, देन आफ्टर, ठीक है, मैं